भाई साहब यहाँ पर NS160 और MT15 बहुत रौले से निकली है, एकदम जबरदस्त। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, बिल्कुल सेफ होगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज भी हमारे पास ड्रैग रेस, और ये वाली ड्रैग रेस मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ये फेंटा बैटल अभी तक मैंने मतलब नॉर्मल एक ही बाइक थी साथ में ड्रैग रेस हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो थोड़े से गूज बम्स भी आ रहे हैं और डर भी लग रहा है, और क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट आप सभी को पता है रोड काफ़ी चौड़ी है, 5 बाइकें खड़ी हैं, फिर भी देख लो अभी कितनी स्पेस है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी कर रहे हैं, हमें भी पता है कि यहाँ पे उतनी गाड़ियाँ नहीं आती, इसलिए केवल यहीं पर सूट कर रहे हैं। एक है हमारे पास पल्सर N160, ये है BS4। दूसरी है हमारे पास KTM RC 125, ये न्यू वाला मॉडल है, ये भी है BS6। साथ ही में बीच में है मेरी N160। दूसरी है हंटर 350 और MT 2.0। तो सभी न्यू बाइक्स हैं, बस वो N160 है वही है BS4, बाकी ये सब चारों BS6 है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और ऐसे ही बीच बीच में मैं आप सभी के लिए ड्रैग रेस लेके आता रहूँगा। देखो ज़्यादा ड्रैग रेस वगैरह मैं करता हूँ नहीं, बट जहाँ भी मौका मिलता है तो हाँ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और भाई अपनी बाइक देख लो कितनी मस्त लग रही है, एकदम ज़बरदस्त, जो विंग्स वगैरह लगे हुए हैं उसकी वजह से और अच्छी लग रही है। तो चलो अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्पेसिफिकेशंस तो देखो क्या ही है कि N160 जो है ये आपकी 16 PS है, RC भी 16 या 15.5 PS मान लो RC का, मेरी N160 का 16 मान लो, हंटर में सबसे ज़्यादा है 20 बट उसका वेट भी सबसे ज़्यादा है, और MT का तो आपको पता ही है 18 PS, 18 पॉइंट कुछ है, 18 ही मानो, और वेट आपका जो N160 है वो भी 150 के आसपास, RC जो है हमारी 162 kg के आसपास, मेरी वाली 152, और हंटर सबसे हैवी है 182 kg, और ये जो MT है ये भी मान के चलो 150 kg के आसपास है। तो वेट तो मैंने बता ही दिया, अब देखते हैं विनर कौन होता है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रोगे, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो चुका है भाई, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन बताना जरूरी है, अगर जिन लोगों ने पुरानी ड्रैग रेस की वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बिना किसी देरी के बाइक पे बैठते हैं, ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं। 2 ही राउंड करेंगे, 2 से ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। सो जल्दी से बाइक पे बैठते हैं और ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं। बाइक पे बैठ चुके हैं, देख लो सभी राइडर्स बाइक पे बैठ चुके हैं और एकदम तैयार हो चुके हैं, सब ने बाइक स्टार्ट कर लिए। 3 हॉर्न होगा, उसके बाद हमारी रेस स्टार्ट होगी, देखते हैं कौन विनर होती है। आपको साउंड अच्छा लग रहा होगा, सब लोग भाग लिए भाई, ये एकदम जबरदस्त चीरते फाड़ते हुए, और सबसे आगे MT जा रही है, उसके पीछे NS160, देन हंटर, उसके बाद भाई N160। RC भाई क्या कर रही है, एकदम पीछे रह गई। यहाँ पे हंटर भी मुझे ओवरटेक कर चुकी है, सबसे आगे चल रही है हमारी MT, उसके बाद NS160, फिर हंटर, फिर 4th नंबर पे है मेरी, उसके पीछे चल रही है RC। तो भाई अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं, देखते हैं विनर कौन होता है। ओहो, और ये तो लिमिटर आ गया यार, इसका शुरू होते ही ख़त्म हो गई इसकी रेस तो। बंदे का वेट है ही नहीं, पता है आपको, आप समझ लो कोई गाड़ी नहीं चला रहा है, बहुत कम वेट है इसका। MT 15 सबसे ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे पकड़ पाएगा। यामाहा, यस। MT तो भाई सबसे अपना अलग चल रही, उसे कोई मतलब नहीं, एकदम आगे चल रही। वो हंटर और NS में टक्कर थी, यहाँ पे हंटर NS को ओवरटेक कर चुकी है फाइनली, और भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमारी जो बाइक है भाई वो अपनी टॉप स्पीड टच कर चुकी है, इससे आगे ये कुछ नहीं कर पाएगी। अब तो भाई बाइक को देखते हैं, रेस खत्म हो गई फाइनली, जो फर्स्ट थी MT 2.0, और फिर उसके बाद हंटर, फिर NS, फिर मेरी N160। अब राइडर स्विच करेंगे और मैं अपनी इधर लगा देता हूँ भाई। सो फाइनली फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं चलाऊंगा हंटर 350 और कबीर भाई चलाएंगे हमारी RC, और भाई आप लोग देख लेना कौन क्या चला रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन। जल्दी से बाइक पे बैठते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो भाई मैं चला रहा हूँ सबसे हैवी बाइक अपनी हंटर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा है, और देखते हैं अब इस बार रिजल्ट क्या रहता है मेरे चलाने पर। जल्दी से बाइक को स्टार्ट करते हैं,
भाई एक चीज है, हंटर की आवाज काफी प्यारी है। मैं दू तीन, मैं इस बार तीन हॉर्न दूंगा। पावर, अरे गियर क्यों फंस गया, व्हाट द फक यार। ओए बैक, क्या यार स्टार्ट किए, दो लोग ने चलाया दो लोग ने नहीं चलाया, ये क्या नौटंकी हो रही है। भाई छह गियर लग गए पता भी नहीं चला। फिलहाल तो भाई हंटर सबसे आगे, बट एमटी एकदम क्लोज आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि एमटी मुझे ओवरटेक भी कर लेगी, और ये फाइनली एमटी एकदम पास आ गई और ये ओवरटेक कर ली एमटी। और भाई एमटी में पावर काफ़ी ज़्यादा है और कुंदन भाई एकदम लीन होके चला रहे हैं एमटी। और ये निकला मैं आगे, कोई फायदा नहीं है, वेट ज़्यादा रखो या कम, एमटी जीतेगी हरदम। तो लिमिटर आ गया भाई उसमें 130 पे, वो भी यार भाई साहब ये लिमिटर मार रही है, गंदा लिमिटर दे रही है भाई। भाई एमटी तो एकदम आगे निकलती जा रही है, लेकिन हंटर भी भाई मानना पड़ेगा अप्रोक्स 135-136 के आसपास चली गई। देखते हैं कैच कर पाते हैं कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है कैच करना एमटी को। बहुत पीछे हो गए सबके सब, बहुत पीछे हो गए, एमटी को हरा नहीं सकती। अभी मैं आपको सबका बाइक दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। रिजल्ट सेम आया है, तो भाई मान के चलो अप्रॉक्स 135-137 के आसपास चली गई। काफी ज्यादा मजा आया रेस करके। सो फाइनली गाइस रेस खत्म हो गई, काफी ज्यादा मजा आया रेस कंप्लीट करके, और हंटर ने भाई जो परफॉर्मेंस दी है ना, अप्रॉक्स 135 भाग गई, एकदम मजा आ गया। लेकिन फर्स्ट थी हमारी एमटी, उसके बाद थी हंटर, उसके बाद एनएस, उसके बाद N160, और सबसे हमारी थकेली और सबसे महंगी नहीं वो और हंटर बराबर ही है, सबसे लास्ट में रही हमारी RC125। भाई क्या ही बोलूँ RC को मैं, लेकिन ओवरऑल रेस करके काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और भाई इंजॉय किया है ना तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ एक चीज़ भाई, ऐसा आप लोग रेस ना करो, हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम लोग को प्रैक्टिस हो चुकी है, और हम लोग एकदम सेफ जगह पे कर रहे हैं, देख रहे हो पूरी रोड खाली है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, घर पे रहो, टीवी में देखो, फ़ोन में देखो, कहीं भी देखो, बस मजे लो, रेस वगैरह करने का ट्राई मत करो। हम लोग मतलब पूरा देख उख के करते हैं, ऐसे नहीं कहीं भी कर दिया। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।